Hello students, welcome to online classes of Babu Shobaram Kala Mahavidyalaya Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography. And students, we are doing this first paper of BA Part 1st, that is Physical Geography. हम भौतिक भूगोल कर रहे हैं और भौतिक भूगोल में आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है वायुमंडल का तापमान. वायुमंडल का तापमान हमने पिछले वीडियो में भी किया है और उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. हम उसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं. वायुमंडल के तापमान में हमने वायुमंडल किस प्रकार से गर्म होता है उन सब पहलुओं को पिछले टॉपिक में लिया था. तो हमने पिछली बार वायुमंडल का सीधे गर्म होना और वायुमंडल का संचालन के द्वारा गर्म होना किया था और आज हम वायुमंडल का विकिरण के द्वारा गर्म होना पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले विकिरण के लिए कुछ बातें हमको समझना आवश्यक हैं कि पृथ्वी किस तरह से व्यवहार करती है विकिरण के मामले में और सूर्य किस तरह से व्यवहार करता है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझ लें कि सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं उनको वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती हैं, लघु तरंगों के रूप में आती हैं. वो सारी किरणें जब पृथ्वी से वायुमंडल को पार कर जब सूर्य से वायुमंडल को पार करती हुई पृथ्वी तक पहुँचती हैं तब 14% जो ऊष्मा है सूर्य की वो वायुमंडल सोख लेता है. तो 86% जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक आनी चाहिए. उसमें से कुछ डिस्ट्रैक्ट होके या यहाँ वहाँ बिखर जाती हैं किरणें और इस प्रकार से पृथ्वी तक पूरी 86% किरणें नहीं पहुँच पाती हैं. अब पृथ्वी एक कृष्णिका की तरह है. कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी वो होती है जो पूरे उसको तापमान को या सूरज की किरणों को या किसी भी ऊष्मा को सोख लेती है और बाद में उसको एनर्जी को रिलीज करती है. तो पृथ्वी हमारी एक कृष्णिका की तरह है और यह इस सारी रेडिएशन को जो सौरिक विकिरण है इसको सोख लेती है और फिर उसको लॉन्ग वेव के रूप में दीर्घ तरंग के रूप में वापस वायुमंडल में प्रसारित करती है. जब ये दीर्घ तरंगे पृथ्वी से लौट कर परावर्तित होकर वापस वायुमंडल में जाती हैं तब ये वायुमंडल को गर्म करती हैं. तो इस प्रकार से हमारा वायुमंडल गर्म होता है और ये प्रोसेस जो है ये विकिरण या रेडिएशन के द्वारा होता है. ताप विकिरण लघु तथा दीर्घ तरंगों के रूप में होता है और ये वस्तु के आकार तथा तापमान पर निर्भर करता है. तो जैसा मैंने आपको बताया कि कृष्णिका क्या है. कृष्णिका वह वस्तु है जो अपनी ओर आने वाले कुल विकिरण का अवशोषण करती है, यानी टोटल जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और किसी निश्चित तापमान पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण करती है. उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं. तो पृथ्वी का धरातल, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था कि पृथ्वी का धरातल एक कृष्णिका के रूप में होता है. कृष्णिका के रूप में यानी कि वो सौरिक विकिरण को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर धीरे धीरे उसको वो छोड़ता रहता है, यानी वापस वायुमंडल में रिफ्लेक्ट करता है या परावर्तित करता है. धरातल पर सिलेक्शन करने की क्षमता न होने के कारण पृथ्वी जो है हमारी वो एक हीटेड ब्लैक बॉडी के रूप में व्यवहार करती है, यानी तप्त कृष्णिका के रूप में व्यवहार करती है. अब हम पढ़ते हैं, पहले आते हैं हम सूर्य. हमने पृथ्वी की कृष्णिका के स्वरूप को पढ़ा और अब हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें किस प्रकार से व्यवहार करती हैं. सूर्य के धरातल से तपती हुई गैसें जो बाहर निकलती हैं उनको हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लघु तरंग का होता है, शॉर्ट वेव का होता है और ये सूर्य से निकल कर पृथ्वी की ओर आता है. यानी सूर्य से जो रेडिएशन निकल रहा है, जो विकिरण निकल रहा है वो क्या है, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, लघु तरंग है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है और ये पृथ्वी की ओर आता है. जैसा कि मैंने आपको बताया 14% तो वायुमंडल में ही समाप्त हो जाता है प्रकीर्णन होकर. वायुमंडल उसको रास्ते में ही उसकी गर्मी को अवशोषित कर लेती है और बाकी कुछ बादलों के कारण, वाष्प के कारण और अन्य कई कारणों के कारण खत्म हो जाता है. तो सूर्य से जो विकिरण निकलता है उसका केवल 51% या 51% भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है और वह ऊष्मा में बदल पाता है और पृथ्वी की सतह को वही 51% या 51% विकिरण गर्म करता है. अब पृथ्वी गर्म हो गई. पृथ्वी गर्म होने के बाद
वो अब अपना विकिरण वापस वायुमंडल में परावर्तित करेगी। तो वो जो विकिरण वापस जाएगा वायुमंडल में वो दीर्घ तरंगों के रूप में या लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जाएगा। पृथ्वी का वायुमंडल सौरिक विकिरण के लिए तो पारदर्शी होता है, यानी कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं तब तो पूरा माहौल पारदर्शी होता है, यानी वो विकिरण को आसानी से पृथ्वी तक आने देता है। लेकिन जब यह विकिरण परावर्तित होकर वापस वायुमंडल में जाता है तब वायुमंडल एक कंबल की तरह व्यवहार करता है और वो इस सारे विकिरण को रोकना चाहता है और रोकने में सफल भी हो जाता है। जब वो विकिरण को अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लेता है तब हमारा वायुमंडल गर्म हो पाता है। पृथ्वी का वायुमंडल सौरिक विकिरण के लिए तो पारदर्शी होता है, किंतु पार्थिव विकिरण हम किसको कह रहे हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो आप इसको एक बार फिर से क्लियरली समझ लें, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं तब वो लघु तरंगों के रूप में आती हैं और उनके लिए, उन किरणों के लिए, उस विकिरण के लिए हमारा वायुमंडल पारदर्शी होता है। ये सारा विकिरण जब पृथ्वी तक पहुंच जाता है तो पृथ्वी इस गर्मी को, इस ऊष्मा को, इस विकिरण को वापस वायुमंडल की ओर भेजती है, परावर्तित करती है। और जब ये विकिरण वायुमंडल की ओर परावर्तित होता है तब हमारा वायुमंडल पारदर्शी नहीं होता, ये एक कंबल की तरह होता है, व्यवहार करता है, या एक कंबल की तरह होता है जो इस विकिरण को रोक लेता है। और इसी विकिरण से अब ये विकिरण लघु की जगह के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, तो ये लॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और यह हमारे वायुमंडल को गर्म करता है। वायुमंडल में यदि जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो पार्थिव विकिरण को वो ज्यादा अवशोषित करता है। यदि वायुमंडल में जल वाष्प है तो वो पृथ्वी से आने वाले टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को या पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेगा। यदि वायुमंडल में जल वाष्प नहीं है तो यह विकिरण कम अवशोषित कर पाएगा और यह विकिरण वापस ऊपरी वायुमंडल में लौट जाएगा। इसीलिए निचला वायुमंडल जो होता है उसके अंदर जल वाष्प होता है और निचले वायुमंडल की निचली सतहों में गर्मी ज्यादा होती है, और यदि हम वायुमंडल से में पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएं तब वहां पर गर्मी कम होती है, क्योंकि वहां पर जलवाष्प नहीं होती जो वायुमंडल की जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को या पार्थिव विकिरण को एब्जॉर्ब कर पाए। इसीलिए मरुस्थलों की शुष्क तथा शांत रातों में पार्थिव विकिरण बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको पता है स्टूडेंट्स, मरुस्थलों में दिन में गर्मी बहुत ज्यादा होती है लेकिन उतनी ही वहां पर रातें ठंडी होती हैं, क्योंकि मरुस्थलों में जलवाष्प बिल्कुल भी नहीं होता या नगण्य के बराबर होता है, और वहां पर पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए जलवाष्प नहीं होता तो ये विकिरण वापस वायुमंडल, ऊपरी वायुमंडल में लौट जाता है और वहां की रातें ठंडी हो जाया करती है। हम और समझें वायुमंडल को। वायुमंडल एक स्वच्छ वायुमंडल यानी साफ वायुमंडल, हम पॉल्यूटेड वायुमंडल की बात नहीं कर रहे। पॉल्यूटेड वायुमंडल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं या बहुत सारे कण होते हैं जो कि पार्थिव विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम कर रहे हैं साफ वायुमंडल की बात। तो साफ जो स्वच्छ वायुमंडल जो होता है वो एक खिड़की की तरह होता है। खिड़की कैसी है कि वो सूर्य की दीर्घ तरंगों को अपने भीतर प्रवेश तो करने दे रही है, यानी अपने थ्रू पास होने दे रही है। जिस कमरे की वो खिड़की है उसमें से कमरे में रोशनी तो आ रही है लेकिन वापस वो नहीं जा पा रही, वो उसको ट्रैप कर लेती है हीट को। यह सूर्य की लघु तरंगों को प्रवेश तो करने देता है। स्वच्छ वायुमंडल एक खिड़की के समान है, यह सूर्य की तरंगों को प्रवेश तो करने देता है किंतु पृथ्वी के दीर्घ तरंग विकिरण को बाहर जाने से रोकता है। ये रहा। विकिरण की विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प तथा बहिर्गामी जलवाष्प, यानी वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प प्रवेशी तथा बहिर्गामी, यानी दोनों प्रकार के सौरिक विकिरण को, सौर जो सूरज से विकिरण आता है उसको भी जलवाष्प रोकता है
और जो पार्थिव विकिरण वापस वायुमंडल की ओर जाता है उसको भी जलवाष्प अवशोषित करता है। चूंकि जलवाष्प वायुमंडल की निचली परत में केंद्रित होता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया ही है कि जलवाष्प वायु की निचली परतों में केंद्रित होता है, इसीलिए निचली परतें ज्यादा गर्म हो पाती हैं और ऊपरी परतें कम गर्म हो पाती हैं। ऊंचे पर्वतों को हम विकिरण खिड़की या रेडिएशन विंडो कहते हैं, जहां से सारा का सारा गर्मी जो है वो परावर्तित हो जाती है। अब हम धरातल की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हमने ये कहा कि सूर्य से सौर विकिरण आया लघु तरंगों के रूप में, पृथ्वी तक आया और पार्थिव विकिरण के रूप में वापस गया दीर्घ तरंगों के रूप में, ठीक है। तो धरातलीय भिन्नता भी तो महत्वपूर्ण है, यानी पृथ्वी के अलग अलग प्रकार के धरातल जो हैं, कहीं काली मिट्टी है, कहीं सफेद मिट्टी है, कहीं बर्फ से आच्छादित पर्वत हैं, तो विकिरण की पृथ्वी जो विकिरण को अवशोषित करेगी या परावर्तित करेगी वो उसकी धरातल के अनुसार होगा। हिमाच्छादित या श्वेत बालू वाले धरातल पूर्ण विकिरणकारी होते हैं, इनसे पार्थिव विकिरण सबसे अधिक मात्रा में होता है, लेकिन जो काली मिट्टियां होती हैं वो सबसे ज्यादा विकिरण को अवशोषित करती हैं और वो सबसे अधिक गर्म हो जाया करती हैं। अन्य प्रभाव, जैसे कि वायुमंडल आपको पता ही है, वायुमंडल में कभी बादल हैं कभी हवाएं हैं, रोज हमारे वायुमंडल की स्थिति अलग होती है। तो मेघाच्छादन का क्या प्रभाव है? मेघाच्छादित आकाश में विकिरण की दशा भिन्न होती है। मेघकण भी एक ब्लैक बॉडी या कृष्णिका की तरह काम करते हैं, इनको सबसे पहले गर्मी को अवशोषित करना होता है और एब्जॉर्ब करना होता है। अब ये कौन से विकिरण को एब्जॉर्ब करते हैं या अवशोषित करते हैं? वह विकिरण जो सूर्य से पृथ्वी की ओर आ रहा है उसको भी ये एब्जॉर्ब करते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण पृथ्वी से सूर्य की ओर जा रहा है उसको तो ये और भी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए यदि हमारे वायुमंडल में मेघाच्छादन है, यानी यदि ऐसी रातें हैं जिनमें ऊपर वायुमंडल में बादल हैं, तो वे रातें बहुत ही गर्म होती हैं, क्योंकि मेघ एक कंबल की तरह काम करते हैं और वो विकिरण को वापस वायुमंडल में लौटने नहीं देते रात को, और इसलिए हमारी रातें यदि मेघाच्छादन है तो बहुत ही गर्म हो जाया करती है। अब हम बात करते हैं हरित ग्रह प्रभाव की। हरित ग्रह प्रभाव, आपने हरित ग्रह देखे होंगे या उनके बारे में सुना होगा। हरित ग्रह पोलर रीजन्स में या ध्रुवीय प्रदेशों में कांच के घर होते हैं जिनके अंदर की सब्जियां उगाई जाती हैं। हरित ग्रह गर्मी को, विकिरण को अपने भीतर तो आने देते हैं, लेकिन उनको वापस बाहर, विकिरण को बाहर नहीं जाने देते। तो हरित ग्रह एक ऊष्मारोधी दीवारों वाला ऐसा कमरा होता है जिसकी छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनी होती है। सूर्य की किरणें कांच को भेद कर कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं, किंतु ऊष्मा कमरे के बाहर नहीं जा सकती। फलतः शीत ऋतु में भी कमरे का तापमान बाहर के तापमान से ज्यादा रहता है और इसमें सब्जियां उगाई जा सकती हैं। ये ध्रुवीय प्रदेशों का कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी का वायुमंडल भी यदि उसमें कुछ गैसें ज्यादा हैं तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव दिखाता है, यानी कि कुछ गैसें जो गर्मी को ज्यादा अवशोषित करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि, यदि इनका कॉन्सेंट्रेशन या इनका ये यदि वायुमंडल में बढ़ जाया करती हैं तो ये गर्मी को अवशोषित कर लेती हैं और इसके फलस्वरूप हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। पृथ्वी के वायुमंडल में यही हरित ग्रह प्रभाव पाया जाता है। इसके द्वारा सौरिक विकिरण तो सरलता से भीतर प्रवेश कर जाता है, लेकिन वो सौरिक विकिरण बाहर नहीं निकल सकता। पार्थिव विकिरण की ऊष्मा को यह बाहर आकाश में जाने से रोकता है, फलतः वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है तथा धरातलीय तापमानों में भी वृद्धि हो जाती है। अब हम आते हैं, हमने अभी तक सौरिक विकिरण
और पार्थिव विकिरण के बारे में पढ़ा और इससे किस प्रकार से पृथ्वी गर्म हो जाती है या हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम फोर्थ प्रोसेस पढ़ते हैं, चौथा प्रोसेस जिसके द्वारा कि हमारा वायुमंडल गर्म होता है। चौथा प्रोसेस है संवहन या कंडक्शन। संवहन, संवहन क्या है? संवहनीय धाराएं। आप दूध का पतीला गैस पे रख देते हैं, गैस को आप फुल कर देते हैं, थोड़ी देर में क्या होता है, दूध उफनने लगता है, क्योंकि दूध के अंदर संवहनीय धाराएं पतीले के पैंदे से लेकर और ऊपर की ओर ज्याद जाती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रक्रिया हमारे वायुमंडल में होती है। पृथ्वी की सतह गर्म जल्दी हो जाती है और गर्म सतह के संपर्क में आने वाली वायु भी जल्दी ही गर्म हो जाती है और गर्म होते ही वो वायु ऊपरी वायुमंडल में इस तरह से जाने लगती है, यानी उसका वर्टिकल मूवमेंट यानी ऊर्ध्वाधर गति उस वायु की होती है और इस ऊर्ध्वाधर गति को, ये ऊर्ध्वाधर गति धाराओं के रूप में होती है जिनको कि हम संवाहनिक धाराएं कहते हैं। इसके द्वारा वायुमंडल ऊपर तक गर्म हो जाता है। वायुमंडल के गर्म होने में लंबवत संवहन धाराओं की मुख्य भूमिका होती है। अनुमान है कि वायुमंडल को 15% ताप अवशोषण तथा परावर्तन द्वारा, 1% ताप संचालन द्वारा, 1% ताप पार्थिव विकिरण द्वारा तथा 83% ताप संवहन द्वारा मिलता है। तो इस प्रकार से संवहनीय धाराओं के द्वारा लगातार वायुमंडल में ऊष्मा बनी रहती है या गर्मी बनी रहती है। कुछ गौण प्रकरण, यानी ये जो मेन हमने चार प्रकरण पढ़े इनके अलावा कुछ गौण प्रकरण, सेकेंडरी प्रोसेसेस। वायुमंडल को गर्म करने के लिए संपीडन, अभिवहन तथा मुक्त गुप्त ताप भी इम्पॉर्टेंट है। संपीडन क्या है? संपीडन है कि कंप्रेस करना, यानी आपस में जैसे स्पंज है उसको आप संपीडित कर देते हैं। तो जब वायुमंडल ऊपर से नीचे बैठती है तो नीचे की परतों में संपीडन हो जाता है और वह वायु अपने आप ही गर्म हो जाती है। इसका उदाहरण है जब कोई वायु राशि उच्च पर्वतीय प्रदेश से निम्न घाटी में उतरती है तब उस पर संपीडन पड़ता है, तब उसका आयतन कम होने लगता है तथा उसकी ताप ऊर्जा बढ़ जाती है। अभिवहन, धरातल पर तापीय विषमता होने पर पवनों का क्षैतिज रूप से प्रवाह होता है। ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज प्रवाह है पवनों का। यदि पवनों का क्षैतिज प्रवाह होता है तो इससे एक स्थान की गर्मी, यदि गर्म पवन एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही है तो वह वायु अपनी गर्मी को दूसरे स्थान पर ले जाएगी। इस प्रकार से एक स्थान, जैसे लू चलती है गर्मी में तो वह गर्म लू दूसरे स्थान का भी तापमान बढ़ा देती है, तो इस प्रकार से भी वायुमंडल में ऊर्जा स्थानांतरित होती है और तापमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। इसको हम एडवेक्शन या अभिवहन कहते हैं। फिर संघनन से, तीसरा है संघनन से मुक्त गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ड्यू टू कंडेंसेशन। वनस्पतियां तथा जलवाष्प तापमान को अवशोषित करते हैं, यह ऊष्मा वायुमंडल में गुप्त ऊष्मा के रूप में मौजूद रहती है। जलवाष्प का घनीभवन होने पर गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी जब जलवाष्प बनती है तो वो गर्मी लेती है और जब जलवाष्प से वापस पानी की बूंदें बनती हैं तो उस गर्मी को वो वायुमंडल को वापस दे देती है। इसको हम लेटेंट हीट ड्यू टू कंडेंसेशन या संघनन से मुक्त गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम वायुमंडल को गर्म करने वाले प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे थे और ये हमने दो पार्ट में पढ़ लिए हैं। तापमान को आगे बढ़ाएंगे हम थर्ड और फोर्थ पार्ट में। आज के पार्ट में बस इतना ही है जिसमें आपने विकिरण और संवहन और अन्य सेकेंडरी प्रोसेसेस के द्वारा या गौण प्रक्रियाओं के द्वारा वायुमंडल किस तरह गर्म होता है ये पढ़ा। तो आप इसको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है और पार्ट्स में लेकर आऊंगी आपके लिए अगले कुछ दिनों में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।